न्यूज उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। वजीर फाइनेंस मिस्टर टी हरीश राव ने चिंता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हमरा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले संगारेड्डी के 100% अकलियती लोन के चेक तकसीम किए। इसके अलावा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक तकसीम किए गए और संगारेड्डी में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 6 एकड़ और सदासीपेट में 5 एकड़ सरकारी अराजी मख्तस की गई। इस मौके पर इस तकारीब से हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहदूद और सेक्युलरिज्म की अहद की पाबंद है। बीआरएस हुकूमत ने अकलियतों की तरक्की के लिए बुनियादी और ठोस इकदाम किए हैं जिसके साबिक में कोई नज़र नहीं मिलती। कांग्रेस ने अपने 70 साल दौर इकतदार में फ़िरका परस्ती और सेक्युलरिज्म के नाम पर धोखा दिया और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। बीआरएस पार्टी इकतदार में आने के बाद से गुज़िश्ता 9 के दौरान रियासत तेलंगाना फ़िरकावारी फसादात और कर्फ्यू से पाक है। केसीआर ने फ़िरकावारियत और तजबियात को तेलंगाना में फैलने नहीं दिया। तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब का और अमन अमान का मरकज बना दिया। बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना के मुसलमानों की तरक्की फलाह बहदूद के लिए मिसाली स्कीमात को रोशनास करवाया। बीआरएस हुकूमत जैसी फलाही स्कीमात कांग्रेस और बीजेपी बरसरे इख्तदार रियासतों में नहीं है। रियासत तेलंगाना की मजीद तरक्की और फलाही स्कीमात का सिलसिला जारी रखने के लिए आवाम बीआरएस पार्टी का साथ दे और केसीआर को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाए। चिंता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पी मानिकियम वाइस चेयरमैन DCCB बुच्छी रेड्डी ने भी इस मौके पर मुखातिब किया। इस मौके पर डॉक्टर शरद जिले कलेक्टर संगारेड्डी, मंजुश्री जयपाल रेड्डी चेयरमैन जिला परिषद, एम ए हकीम, मौलाना ताहिर हुसैन शाह नूरी, मौलाना मोहम्मद असलम सुल्तान खासमी, मोहम्मद करीमुद्दीन गौसवी, मसूद बिन अब्दुल्ला, शेख रशीद अजीम के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे कब्रिस्तान के जज के लिए जमीन आज आपको पता देने के लिए भी बुलाए, उसके लिए भी आपका मुबारकबाद होना चाहता हूँ। चिंता प्रभाकर साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करा। सजा आज परसों पिछले साल में सजा सुपेटे हुए कब्रिस्तान के लिए नेशनल हाईवे पे 5 एकड़ जमीन दिए, वहाँ तो 4 करोड़ में एक एकड़ था। 20 करोड़ का जमीन को नेशनल हाईवे पे चिंता प्रभाकर साहब जिले से आपके लिए कब्रिस्तान के लिए सदाशिवपेट में 5 एकड़ जमीन दिया है। आज सरकारी ने पिछले 2 महीने से मेरे पीछे कलेक्टर साहब के पीछे पड़ के आज 6 एकड़ जमीन सरकारी ने आपके लिए दिया है। हरियाणा का समाधान स्थल कोसम आरोप सदाशिवपेट के चल ఈరోజు సంగారెడ్డి కూడా ఇస్తా ఉన్నాను. 3 పక్కపక్కనే హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు 3 శ్మశాన వాటికి వరుసగా కళాశిపేట్లో డబ్బులు ఇచ్చి కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టించి కరెంటు తెచ్చి బోర్డ్ మోటార్ పెట్టి మరి కళాశిపేట్ అన్ని సౌకర్యాలు కూడా చేసిన విషయాన్ని అందరికీ తెలుసు. జైసా కళాశిపేట్నే కదే ఆజ్ ఆపు చర్చే జమీన్ దేవే वैसे यहाँ भी सहूलत करेंगे आपके लिए। उसका कंपाउंड वाल लगाना, बिजली लाना, पानी का इंतजाम भी करना है और जो भी वहाँ पर और इंतजाम करना है वो समाधान और कब्रस्तान में भी अच्छी तरीके से आपके लिए करते हुए। आज मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ हमारे बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, आप सोचिए ऐसा जैसे शादी मुबारक स्कीम दुनिया में कहीं है ऐसा। मेरे साथ कोई महाराष्ट्र के दोस्त भी आए आज हैदराबाद से, वो गाड़ी में बोल रहा था मेरे, हमारा महाराष्ट्र में तो गरीब लड़कियों का शादी हो तो 1 पैसा भी नहीं देते। महाराष्ट्र से तो कहीं और है दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ने जैसा हिंदुओं के लिए कल्याण लक्ष्मी दिए वैसा मुसलमान घरों में गरीब लड़की के शादी के लिए आज 1 लाख रुपया दे रहा है। आज तक तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 1 नहीं 2 नहीं 2,55,000 शादियों के लिए आज सीएम साहब ने मदद करी। इसके लिए हुकूमत ने
2130 करोड़ रुपया आज तक खर्च करें। ये मामूली बात नहीं होता है। आज गरीब माँ लोगों को लड़की का शादी है तो केसीआर से आपने थोड़ा भरोसा दिया, कम से कम 1 लाख रुपए तो केसीआर से आप भिजवाएंगे और बाकी का कुछ घर में देख लेते हैं। इसके पहले तो कोई हुकूमत भी नहीं थी, और ये भी आप लोग जानना चाहिए। आज बच्चे पढ़ने के लिए कितना पैसे दे रहे हैं संगारेड्डी जिले में। एक जमाने में तो जब कांग्रेस की हुकूमत थे, एक भी महिला की रेजिडेंशियल स्कूल नहीं। आज संगारेड्डी जिले में 16 महिला की रेजिडेंशियल स्कूल है। पूरी तेलंगाना में 212 स्कूल है, संगारेड्डी जिले में 16 स्कूल है। देखिए आप सोचिए, खाना कपड़ा देके बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाए, नमाज भी पढ़ाते, उर्दू भी पढ़ाते, ऐसा कोई हुकूमत में है अपने भारत में? पूरा देश में ऐसा कोई कर सकते कोई सीएम साहब? आज ये धर्म से ये 10वीं तक नहीं 12 तक के सीएम साहब है, जूनियर कॉलेज भी उससे रहती है। फिर 10वीं बात छोड़ दिए तो क्या होगा? बच्चे घर में आके फिर कोई काम पर लग जाए। बोलते हैं कांग्रेस वाले हम तो ये है सेक्युलर है वो है, अपने खानों में खून करते हैं कांग्रेस वाले। हमारे बुजुर्गों से एक बात पूछ रहा चाहता हूं मैं, 70 साल के कांग्रेस की हुकूमत में क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? आपके लिए दिया आपको ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनाए, नहीं तो पंचर दुकान में काम करने के लिए दिए, क्लीनर बनाए गाड़ी पे, ड्राइवर बनाए अपने को, नहीं तो मौज बेचने के काम दिए, और कुछ काम मिला? कोई सरकारी दफ्तर में नौकर मिला? कोई बच्चों का पढ़ाई हुआ? कोई घर में रोशनी हुआ? सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने वोटों को लूट लिया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों क्या दिया बोले तो मुसलमानों को गरीबी दिया, गरीबी हटाए नहीं, आपके घरों में रोशनी आए नहीं, सिर्फ गरीबी दी। आज सीएम साहब ने 212 स्कूल रखने से इतना अच्छा पढ़ाई हुआ, आप देखिए इसका फायदा आप आओगे 4-5 साल के बाद देख सकते हैं। अभी बच्चे सबसे तक आ गए, कभी 11 तक आ गए, कभी इंटरमीडिएट में आ गए, कल आगे 4-5 साल में डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर में नौकरी कर सकते हैं। इसके पहले उर्दू में पढ़े तो आज आईटी में उर्दू चलेगा, देश में दुनिया में नहीं दे सकता। सीएम साहब ने उर्दू जवान को भी बचाए, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा। आज पूरा भारत में जितने महिला की रेजिडेंशियल स्कूल है सिर्फ तेलंगाना में उसे ज्यादा है, ये बात आपको सोचना है। और अच्छा आपको समझने के लिए मैं एक दो बात बोलना चाहता हूं। आज कभी भी अपना काम मालूम होना बोले तो दूसरे राज्य का देखे तो मालूम होता है, नहीं तो अपने को क्या लगता सीएम साहब ने 2 दिया चलो तीसरा दो, 5 दिया 600 दे दो, 10 दिया 1100 दे दो, कब पूछते रहते थे पूछ रहा उसने तो गलती नहीं बोल तो पाई। लेकिन दूसरे रियासत में क्या हो रहा, दूसरे राज्य में क्या हो रहा, एक बार समझ लिए तो केसीआर साहब ने अपने लिए क्या दिया क्या करा जब अपने को मालूम हो रहा। मैं एक दो बात बोलना चाहता हूं, कर्नाटक कर्नाटका में अपने मुसलमान 90 लाख मुसलमान रहते हैं, अपना आराम 90 लाख रहता है, वहां का बजट है 2100 करोड़। महाराष्ट्र में परसों तक कांग्रेस था, अभी बाहर आए वहां पर है अपना आराम 1,40,00,000, वहां का बजट है 660 करोड़। आवाम में 1,40,00,000 बजट है 660 करोड़। वेस्ट बंगाल जहां पर तो या कांग्रेस या बीजेपी जो भी नहीं है वहां दीदी है, ममता दीदी है, वहां अपना पॉपुलेशन है आवाम 2.5 करोड़, 2,50,00,000 मुसलमान का आवाम है, वहां का बजट है 2,100 करोड़। उत्तर प्रदेश अपने भारत में सबसे बड़ी राज्य है, आवाम भी ज्यादा रहते हैं। उत्तर प्रदेश में है
मुसलमान का अवाम 4 करोड़, वहां का बजट है 1700 करोड़। अभी तेलंगाना का अवाम का नया बजट ज्यादा है, अपना अवाम है 50 लाख, बजट है 2200 करोड़ रुपए। अब बोलिए कौन सा सरकार आपके लिए काम कर रहा है? सेंट्रल से आपका वोटर कौन लूटा? आपके लिए मेहनत कौन कर रहा, काम कौन कर रहा, आप जरा सोचना चाहिए भाई। आज इस देश में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगा के अपने को गिरा देते, कर्नाटक में भीड़ रहना, महाराष्ट्र में हर दिन लड़ाई हो रहा, कोई राज्य में रात में खाना खा के सोना है तो भी नहीं आ रहा, कब क्या होगा कोई सुकून से सोरा भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 9-10 साल में अपने तेलंगाना में कभी वहां पर भी कोई पहलू आया, कोई गड़बड़ हुआ, कोई तकलीफ हुआ? वो हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, सिख होने दो, क्रिश्चियन होने दो, सबके लिए कैसी अच्छा मैं काम कर रहा हूं। 10 साल में हमके आम अच्छा खाना मिल रहा, घर में रात में सो गए तो सो सकते थे, तो आज देश के क्या हाल है ये आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आज पढ़ाई क्यों कर रहा, शादी के लिए कौन मदद कर रहा? आज ₹1,00,000 स्कीम ना गारंटी ना सिक्योरिटी कुछ मत लो, ₹1,00,000 सीधा सीधा आपके हाथ में लगे, कुछ काम करो जीने के लिए, कुछ रास्ता निकालो, उनके ₹1,00,000 दे रहा है। आज संविधान के लिए इतने कीमत की जमीन आपके हाथों में आज हम रखे, उसका उसका फैसिलिटी भी हम बना रहे हैं, ये आपको सोचना है। देखो 12 बच्चों का 10,000 बच्चों रहता, गरीब लोगों के लिए सीएम साहब साड़ी दी जाए, कपड़ा दी जाए, रमजान में भी कपड़ा और साड़ी दी जाए, और क्रिसमस के लिए भी साड़ी कपड़ा दी जाए, और कोई हुकूमत में अपने भारत में ऐसा कोई राज है जैसे सीएम साहब करते, जैसा हुकूमत से दावते इशार करके सीएम साहब खुद फैसला दे देते हैं, जिलों में मिनिस्टर एमएलए कलेक्टर एसपी सब लोग आके डालते खाने बाके बैठ के आपका हिस्से चढ़ा रहे, ऐसा कोई हुकूमत नहीं हो रहा है। सोचिए आप लोग अपना शान में कुछ फर्क नहीं आया ये सीएम साहब, अपना इज्जत को बढ़ाया सीएम साहब, अपने रीति रिवाज को आप सीएम साहब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इस बात से आपने कितना अच्छा इज्जत मिल रहा है। अरे आज वहां अजमेर शरीफ दरगाह पे भी सीएम साहब ने रुआ बनाने के लिए तो पैसे सेंक्शन कर रहे हैं, हर जगह शाहनगर में अपना दरगाह पहाड़ी से दरगाह का जाएंगे भी दरगाह पे भी बहुत सारे पैसे देंगे, वहां भी सीएम साहब ने बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। कोई भी देखो ऐसा कहीं भी जाओ अच्छी मदद हो रहा है। फिर मैं आपसे एक ही गुजारिश में बोलना करना चाहता हूँ, लोग आते थे कांग्रेस वाले अच्छे अच्छे बात होते हैं, बात उनसे से फायदा है क्या? अपने आपके सेवा कौन कर सकता है, आपके लिए कौन सोच सकते हैं? सीएम साहब तो हमें एक ही सिखाया, क्या हिंदू या मुसलमान या सिख, जो गरीब है उनके लिए काम करो, जो गरीब है उनको करीब मिले, जो गरीब है उनको मेहमान समझ के उनका मदद करो, होते हमारा तो सीएम साहब ने जीते तो भी मरे, मारे तो भी आपका सेवा करते हैं।
कहां रहते हैं तो हम तो ऑटो वाले इधर घर बता सकते हैं, जरा स्पीड में बैठ के ऑटो में बैठ के जाओ, जिंदा प्रभा का जिक्र करो तो घर के लेके जाएंगे आपके घर से, आपके घर से लेके जाएंगे ऑटो वाला। उनका आदर्श इसको मालूम है, कभी सेवा मिल सकता आपको भाई? आप सोचना चाहिए, मैं किसी के लिए देखता हूँ जो सेवा करते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, उनके आप दुआ करना चाहिए, उनको आपको आशीर्वाद करना चाहिए। इतना ही नहीं बोल सकता हूँ, आज इतना अच्छा काम, 10 साल में कहीं कहीं परेशान हुआ, इतना अच्छा हमसे सेवा कर लिया ఈ రకంగా మన ఎంతో బాగా చేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రిస్టియన్ అయినా అందరి కోసం సిద్ధపతి గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ బతుకమ్మ దసరా పండుగ వస్తే ఎంతో అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేసేసి మన ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఇవాళ నిన్న మీరందరూ టీవీలో చూశారు, జిల్లాలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టు 9 మెడికల్ కాలేజీలు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు. ఎంత సంతోషం కలుగుతుందంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు డాక్టర్ అయితా ఉన్నాడు, ఒక రిక్షా కార్మికుడు డ్రైవర్ రిక్షా కార్మికుడు కొడుకు డాక్టర్ అయితా ఉన్నాడు, ఒక ఉపాధి కూలీ బిడ్డ డాక్టర్ గా నిన్న జాయిన్ అయింది, ఇవాళ రైతుల పిల్లలు డాక్టర్లు అవుతున్నారు. ఇవాళ ఎంతో మంది నిరుపేదలను డాక్టర్లు చేసినట్టు మనకు కేసీఆర్ 10,000 ఫీజు అని కూడా గవర్నమెంట్ కట్టదు, ఫీజు ఏ పర్సన్ ఒక్క రూపాయి ఫీజు లేకుండా పేద పిల్లల్ని డాక్టర్లు చేసిన ఘనత మన కేసీఆర్. భారతదేశంలో ఒకే రోజు 9 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మన తెలంగాణ జాతీయ గీతం చేశారు. ఈరోజు పాలకొండ జిల్లాలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పాలకొండ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ప్రారంభించబోతా ఉన్నారు. 24 గంటల కరెంటు, కళ్యాణ లక్ష్మి శాలి కుమారే ఇంటింటికి ప్రతిరోజు తాగునీరు, ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు, రైతు బీమా, మిషన్ కాకతీయ, ఆరోగ్య లక్ష్మి, ఇట్లా ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తూ వచ్చారు. మరి మన కేసీఆర్ ఏమో అద్భుతాలు సృష్టించారు, కాంగ్రెస్ ఏమో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. ఏమంటారు, ఏమేమి ఇచ్చేస్తాం అది చేస్తామని మాట్లాడుతున్నారు. ఆకలికి అన్నం పెట్టి మహాప్రభు అంటే 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టే చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతుల ఆత్మహత్యలకు లేక ఈ రాష్ట్రాన్ని మార్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తాగాలి నీళ్ళు ఇవ్వడం చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతులకు పగటికుంట 4 గంటల కరెంటు కూడా ఇవ్వడం చట్టాన్ని పార్టీ. ఇవాళ మేము మీకు గోల్డ్ ముద్దలు తెప్పిస్తాం, మీకు అరచేతిలో వైద్యుంటం చూపిస్తామని అందమైన అబద్ధాలు ఆడుతుంటూ డిక్లరేషన్ల మీద డిక్లరేషన్ చేస్తాం. మనం ఆలోచించాలి, ఇలా కేసీఆర్ కూడా చేసి చూపిండు, 2,000 పెన్షన్ వచ్చేసి కరెక్ట్ కాదా, 4,000 ఆసరా పెన్షన్ మా దివ్యాంగులకు ఇచ్చేసి నిజం కాదా, కేసీఆర్ పికప్ చేసి నిజం కాదా, ఇలా 87% జరిగింది సర్కార్ దాదాపు సర్కార్ ఇద్దాం 87% తక్కువ 10 రూపాయలు కోట్లు ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే నేను రాను బిడ్డో సత్కారం అవుతానంటే ఇవాళ పేదలు పోరాడుతున్నది కాదు సత్కారం అవుతానంటే అంత గొప్పగా ఈ ఆసుపత్రులు మార్చేస్తాను. సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో నెలకు 800-900 దగ్గర జరిగింది, జైనవాడలో నారాయణపేటలో అమ్మూరులో పటాన్ చెరువులో ఇంత మంచి సౌకర్యం చేసేసరికి ఇవాళ గడిపోలు ప్రైవేట్ కొత్తలేదు. ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఊటకొక దావకాన్ని వచ్చేసి గల్లీకి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి వచ్చేసి ఇలా కేసీఆర్ హయాంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను తాళాలు పెడుతున్నాయి. జగనంతా సత్కార దావకాన్ని దారి పెట్టింది. 87% దగ్గరీలు సంగారెడ్డి జిల్లాలో గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులు అవుతున్నాయంటే ప్రభుత్వ పనితీరు ఇంతకంటే ఏ నిదర్శనం కావాలని అంటే ఎవరో బాగా వైద్యులు దారి ప్రైవేట్ పోతుంది లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వస్తుందా? ఈ రకంగా మనం సేవలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. అందువల్ల నేను మీకు కోరేది ఒక్కటే, రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గారు సృష్టించిన అద్భుతాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడే అబద్ధాలకు మధ్య రైతు పోటీ జరుగుతామని ప్రజలు ఆలోచించాలి. కేసీఆర్ గారు చేసిన పనులు కళ్ళకు కనబడతా ఉన్నాయి, కళ్ళ ముందు ప్రతి
అందరికి ఇచ్చినాకనే ఆశీర్వాదం ఇచ్చినట్టు అందరికి వేరే తీసుకుని చూసి చెప్పండి.